नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका पशु में आपका स्वागत है। आज से लगभग 4 महीने पहले हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जो कि शेड डिज़ाइन के ऊपर थी। वो वीडियो आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो हमने बनाई थी। इस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि ये आज भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है इस चैनल की, और अभी भी इस पर कंटिन्यूसली व्यूज़ आते हैं और कॉमेंट्स भी आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो का जिक्र आखिरकार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, एक चीज़ आपको बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जब शेड निर्माण करवा रहे हैं तो उस वक्त शेड की जो दिशा है वो किस तरफ होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ, और उसका रीज़न भी आपको बताया था कि वो किस रीज़न के कारण आपको रखनी चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होते हैं। पर दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद कुछ कॉल्स मुझे आई और उसके बारे में मुझे और एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, क्योंकि कुछ जगहों पर वो कंसेप्ट जो है लागू नहीं होता। तो इस सिलसिले में मैं आपको सब कुछ वैसे क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि वह कंसेप्ट है क्या और उसमें क्या कमी रह गई थी उस वीडियो में और अब वो किस तरीके से। रिक्वेस्ट फिर से दोस्तों एक ही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी किसानों तक ऐसी वीडियोस पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक शेड निर्माण करते वक्त आपको अपने शेड की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की तरफ रखनी चाहिए, ना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, और इसका रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि सूरज जो है हम सब जानते हैं कि पूर्व से निकलता है, राइट। तो उस केस में अगर आपने शेड इस तरीके से, आप तस्वीर में देख सकते हैं, अगर आपने इस तरीके से शेड दे रखा होगा, राइट, तो इस केस में क्या होगा कि सूरज से आने वाली धूप है जो पूरे दिन, जो दोपहर के टाइम खास गर्मी होती है, वो गर्मी शेड के अंदर नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूरज इसके ऊपर से ही पश्चिम की तरफ शाम को छुप जाता है। दूसरी तरफ अगर आप उत्तर से दक्षिण ये शेड का निर्माण करवाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि सूरज फिर से पूर्व से निकल रहा है, और फिर जब पूर्व से निकल रहा होगा और जब थोड़ा सा ऊपर होगा 11 या 12 बजे के आसपास, तो उस केस में शेड के काफ़ी अंदर तक जो है सीधी धूप पड़ेगी, जो कि पशु के लिए हानिकारक होती है। यानी कि डायरेक्ट सनलाइट, वो भी ज़्यादा मात्रा में गर्मियों के समय, अगर वो वाली रोशनी इस तरीके से पड़ेगी तो बहुत ही वो डेंजरस हो सकती है पशु के लिए, उससे पशु हीट स्ट्रेस में आता है, और उसी तरीके से फिर ये पश्चिम की तरफ सूरज जाता है। तो इन दोनों फ़ोटोज़ में आपने शायद ये समझ लिया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पूर्व से पश्चिम की तरफ रखेंगे तो सूरज की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो कम आएगी उसके इस दिशा में होने के कारण, और वहीं अगर आप उत्तर से दक्षिण बना रहे हैं तो उस टाइम ज़्यादा चांसेस हैं उस धूप के अंदर आने के। पर दोस्तों यहाँ एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कंसेप्ट वहाँ लागू होता है दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बस यही छोटी सी चीज़ थी जो कि मैंने उस वीडियो में आपको नहीं बताई थी। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि क्या होता है, कुछ जगहें, कुछ प्रदेश ऐसे ठंडे होते हैं या बाहर की कंट्रीज बहुत ही ठंडी होती है, तो पशु को ज़रूरी सनलाइट भी देनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड के मौसम में हमें ठंड से पशु को बचाना होता है, और वही ठंड ठंडे प्रदेशों में और भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है कि ठंड को कम से कम किया जाए और सूरज की रोशनी पशुओं तक किसी न किसी तरीके से पहुँचे। सनलाइट ज़रूरी क्यों है दोस्तों? दोस्तों होता क्या है कि सनलाइट से जो होता है फर्श जो है फर्श सूखा रहता है, और इसके अलावा और भी किसी भी तरह की बेडिंग है अगर आपने अपनी कैटल के लिए रखी है, जैसे कि मिट्टी की हो गई या फिर मैन्योर की हो गई, उस बेडिंग में भी ज़रूरी होता है कि वो बेडिंग सूखी रहे, क्योंकि अब ठंड पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो वो गीली रहती है ओस के कारण, और ये गीलापन आपके पशु को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि मेस्टाइटिस जैसी बीमारी बहुत ही परेशान कर सकती है आपको और आपके फार्म को और आपके पशुओं को। तो उस केस में ज़रूरी होता है कि जो सनलाइट प्रॉपर एनिमल को भी मिलती रहे और फर्श जो है उसकी बेडिंग जो है वो ड्राई रहे, तो इसलिए सनलाइट भी ज़रूरी है। बट अगर आपके पास शेड इस दिशा में नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी तरीके हैं जिससे कि आप
सूरज की सनलाइट जो है, अगर आपको चाहिए तो आप पशुओं तक ले जा भी सकते हैं। अगर आपको उसकी सनलाइट से बचाना है तो आपके पास और भी तरीके हैं उसकी सनलाइट से बचाने के लिए, जैसे कि शेड का निर्माण ही आप इस तरीके से करेंगे कि उसकी जो है मैक्सिमम सनलाइट अंदर ना आ पाए। और इसके अलावा फोगस वगैरह लगा के भी आप हीट स्ट्रेस से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप शेड चाहे किसी भी तरीके का बनवा लीजिए, अगर आपने अच्छे पशु नहीं लिए हैं, दुधारू पशु, बीमारियों से रहित पशु आपने नहीं रखे, उनका न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं देखा है, तो फिर आपके शेड बनवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट असेट जो है आपका आपके फार्म पे वो होते हैं पशु। अब ये किसी भी रोग से मुक्त पशु आपको अगर पाने हैं तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत से डेयरी फार्मर्स की हेल्प कर चुके हैं अच्छे पशु देने में। आप उन कस्टमर्स की जुबानी, उन फार्मर्स की जुबानी हमारे इस प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार और भी बहुत सारे राज्यों में हमने बहुत से पशु भेजे हैं। तो बेझिझक आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें अगर आपको अच्छे पशुओं की तलाश है तो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि और भी किसानों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो मैं अमनदीप सिंह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।